हेलो दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हैचरी मैनेजमेंट के ऊपर मैं पार्ट वन छोड़ा था, जिसमें मैंने ब्रूड फिश पॉन्ड प्रिपरेशन और ग्रीन वाटर मेकिंग के बारे में सारा डिटेल के साथ आप लोगों को बताया था। तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे। जो भाई चैनल पर नए हैं, पहले वो वाला ये पार्ट वन वाला वीडियो देख ले, इसके बाद पार्ट टू देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। तो आज हम लोग पार्ट टू में बात करेंगे ब्रूड फिश मैनेजमेंट के ऊपर, इसके स्टॉकिंग के ऊपर। तो इसका स्टॉकिंग जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना पॉन्ड में कितना पीस या कितना किलो मछलियाँ रखना चाहिए। तो इसके पहले मैं बोल लूँ दोस्तों, फिश कल्चर दूसरा चीज़ होता है और ब्रूड फिश स्टॉकिंग दूसरा चीज़ होता है। क्योंकि कल्चर में हम लोग कल्चर में हम लोग जो फिश को है बरी करते हैं और मार्केट के लिए तैयार करते हैं, लेकिन ब्रूड फिश स्टॉकिंग में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। क्योंकि ये मछलियाँ वैसे ही बरी रहती है और आगे जाकर बहुत ज़्यादा बरी होती भी नहीं है, क्योंकि अब हमें इसको ग्रोथ में लाने के लिए हम लोग काम नहीं करते। हम लोग जो काम करते हैं इसका पेट में जो अंडा है उसको जल्दी ग्रो करने के लिए और बहुत ही जल्दी अंडा आने के लिए काम करते हैं। तो क्वेश्चन भी बहुत मुझे इस तरह का आता है, भाई अंडा को जल्दी आने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, तो फिर आप लोगों को सारा सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, ब्रूड फिश स्टॉकिंग जैसी ज़रूरी है, उसका मेंटेनेंस करना उतना ही ज़रूरी है। तो एग्स बहुत जल्दी आने के लिए हमें सारा चीज़ों का मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करना होता है। इसके लिए हमें सही एनवायरनमेंट जो है वो तैयार करना होता है। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, पहले पॉन्ड प्रिपरेशन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों को दे दिया। दूसरा काम है होता है वाटर बॉडी का डेंसिटी को बैलेंस रखना। तीसरा आता है टेम्परेचर और चौथा आता है आप लोगों को फिश फीड। तो हम लोग जानेंगे धीरे धीरे करके सब एक एक करके। तो हम लोग सही एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, ये होता क्या है। जैसे कि हम लोगों के लिए एनवायरनमेंट सही ज़रूरी है, वैसे भी मछली का पालन के लिए उसका वाटर बॉडी का एनवायरनमेंट सही होना ज़रूरी है, नहीं तो मछली में एग्स जो है वो बहुत लेट आना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग ज़्यादा खाना देंगे, अच्छा से खाना देंगे, बस मछली में अंडा आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो सोच रहे हैं ना, वो गलत है। अक्सर लोग क्या करते हैं, खाने के पीछे दौड़ने लगते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ज़्यादा खाना देने से अपच तो होता ही है, पता है ना, हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो हम लोगों को अपच हो जाता है, उल्टी होता है, पेट खराब होता है। तो खाना देने से कुछ नहीं होता है, एनवायरनमेंट के साथ ही आप लोगों को खाना देना है। आप लोग कोशिश करके देख सकते हैं, अगर मेरे साथ कोशिश करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग खाना देंगे और मैं जो है सही एनवायरनमेंट तैयार करूंगा मछली के लिए, तो मेरा मछली में सबसे पहले अंडा आ जाएगा। और आप जो खाना दे रहे हैं तो आपका मछली पीछे पड़ जाएगा। दोस्तों, आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, मैंने जितना सारा चीज़ बोला उसमें से फिश फीड को सबसे लास्ट में रखा, एकदम चौथा नंबर पर। तो इसका रीज़न यही है कि मुझे फिश एग्स को ग्रो करने के लिए हमें पहले वाला स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है, लास्ट में हमें फिश फीडिंग पे ध्यान देना है, तभी जाके हमें एग्स जो है जल्दी ग्रो होगा। तो आप लोग कभी भी जंगल में जाते हैं ना, तभी आप लोग देखेंगे एनवायरनमेंट जो बहुत अच्छा होता है, पेड़ पौधे इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा, और आम जिंदगी में पेड़ पौधे बहुत छोटा छोटा, और जंगल में पेड़ पौधे इतना बड़ा बड़ा, हिलाल उसको देखने वाला कोई भी नहीं होता है, तो भी इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना रहता है। वहाँ जाने के बाद हम लोगों को सुकून सा महसूस होता है, लगता है यही अपना घर बना के रह जाना चाहिए। तो मछलियों के लिए हमें इस तरह का एनवायरनमेंट तैयार कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसका डेंसिटी जो है उसको बैलेंस करके रखना है। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है घनापन। अगर हम लोग ब्रूड फिश को ज़्यादा घना रखते हैं तो उसमें डेंसिटी जो है वाटर बॉडी का डेंसिटी बहुत बढ़ जाता है, इससे हमें बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण या ज़्यादा घनापन होने के कारण अपना पॉन्ड में जो मछलियाँ है उसका माथा कभी कभी बड़ा हो जाता है और पिछला हिस्सा जो है वो बहुत ही पतला हो जाता है। कभी कभी तो इसका पेट का हड्डियाँ बाहर से बहुत आसानी से दिख भी जाती है। तो आप लोगों का पॉन्ड में ब्रूड फिश का इस तरह का हाल रहेगा तो आप लोग किस तरह से आशा कर सकते हैं आपका पॉन्ड में ब्रूड फिश में एक सबसे पहले आएगा, तो बिल्कुल ही नहीं आएगा भाई लोग। तो इसके लिए हमें डेंसिटी मेंटेन करना है। तो हमें किस तरह से डेंसिटी मेंटेन करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 16 तक इसको मेंटेन करना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे 12 या 16 क्या है, मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताता हूँ।
अभी 12 से 16 का मतलब है मछली का बॉडी वेट। हम लोग एक शतक या एक डेसिमल के लिए 12 से 16 किलो तक मछलियाँ स्टॉक कर सकते हैं बूट फिश के लिए। तो बीघा में कितना आता है, अगर आप लोग 12 किलो तक स्टॉक करते हैं तो 12 × 33 देने से हमें कितना मिलेगा, 396 किलो। मतलब एक बीघा में आप लोग 396 किलो मछली रख सकते हैं। अगर आप लोग 16 किलो तक रखना चाहते हो, 16 × 33 से आप लोगों को एक बीघा में 528 किलो तक मछलियाँ स्टॉक रख सकते हैं। तो इस तरह से ब्रूट फिश का स्टॉकिंग किया जाए तो इसमें एग्स का जो है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा और बहुत ही जल्दी एग्स आने लगेगा। तो एक सवाल और खड़ी हो जाता है, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में बोला था आपको वजन का हिसाब भी निकालना है और काउंटिंग भी रखना है, तो मैंने इससे पीछे नहीं रहता हूँ, मैं इसको मेंटेन करता हूँ। ये जो खाता देख रहे हैं ना, इसमें हर एक पॉन्ड में कितना मछलियाँ हैं, कितना किलो है, कितना पीस, कौन कौन मछलियाँ है, सारा लिखा हुआ रहता है। तो मैं इसको मेंटेन करता रहता हूँ, अगर कुछ मछलियाँ निकाला जाए फिर उसमें डाल देते हैं। इसलिए हार्वेस्टिंग एंड स्टॉकिंग दोनों का हिसाब हमें रखना होता है, तभी जाके सही मेंटेनेंस बन पाता है और क्वालिटी फिश या अंडा को तैयार कर पाते हैं हम लोग। तो दोस्तों, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए छोटा प्रोजेक्ट में थोड़ा मुश्किल आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लो डेंसिटी में मछलियाँ रहती है, ये इसका घनापन बहुत ही कम है, जिस कारण हमें सबसे ज़्यादा पॉन्ड का ज़रूरत होगा। तो छोटा प्रोजेक्ट में क्या होता है, उन लोगों के पास ज़्यादा पॉन्ड नहीं रहता है, फिर उन्हें इस चीज़ का मेंटेन करने में बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि उन्हें पूरा प्रोजेक्ट जो है चलाना होगा 6 मंथ तक। तो उसके लिए उन्हें डेंसिटी बढ़ा के मछलियाँ छोड़ना है, क्योंकि उनके पास पॉन्ड नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग चाहें तो इसको मतलब आप लोगों के पास 4 पॉन्ड है तो आप लोग 1 में अप्लाई करें इस तकनीक को, और 3 में आप घनापन ही रखें, फिर 1 का जो मछली है ये या बच्चा बना के आप लोग मार्केट पे सेल करेंगे तो उसका जो फीडबैक आएगा किसान भाइयों से, वो सुन के आप लोग खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो मैंने चीज़ बताया ना, ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ होता है किसी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये चीज़ आप लोग यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सीक्रेट चीज़ कोई बताएगा ही नहीं। और मेरा बात बोलो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि आप लोग भी आगे बढ़ें, आप लोग भी आगे जाए सीखे, नया नया प्रोजेक्ट में काम करें तो बिजनेस जो है आगे जाए, देश का तरक्की हो जाए। और इसलिए भी बताया क्योंकि आप लोग जान पाएँ इस प्रोजेक्ट को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्वालिटी फिश जो है कैसे बनाया जाता है, जो किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आगे जाके किसान भाई इस प्रोजेक्ट से स्पॉन या रेनो खरीदते हैं तो उन लोगों को इतना ग्रोथ क्यों मिलता है, ये सारा सीक्रेट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके आगे मैंने बोला था टेम्परेचर, तो दूसरा चीज़ है टेम्परेचर। अगर ब्रूट फिश को सही टेम्परेचर में नहीं रखा जाता है तो फिर इसमें एग्स का आना थोड़ा लेट हो सकता है। तो दोस्तों, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है फिश एग्स ग्रोथ होने के लिए या मछली पालन के लिए। तो हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, हमें हीट चाहिए 25 से लेके 28 डिग्री तक, तभी जाके फिश पालन या मछली पालन के लिए वो फ़ायदेमंद रहता है, और एग्स के लिए तो और ही भी बेहतर है। तो इसके बारे में मैं फिर कभी दूसरा वीडियो में बात करूँगा। अभी जो बचा वो है फिश फीड मेंटेन। तो दोस्तों, कल्चर के लिए फ़िश फीड अलग होता है और ब्रूट फिश के लिए फ़िश फीड अलग होता है, क्योंकि ब्रूट फिश को हमें पेट में अंडे को मैच्योर करना है, ना कि ब्रूट फिश को ग्रोथ में लाना है, इसीलिए इसका अलग तरह का फ़िश फीड बनाया जाता है। और फैट भी इसमें बहुत ही कम दिया जाता है, क्योंकि फैट होने से मछली का पेट में सिर्फ फैट ही बनेगा, अंडा नहीं बनेगा, लगेगा पेट में अंडा है लेकिन अंडा बिल्कुल ही नहीं होगा। इसीलिए ब्रूट फिश में फ़िश फीड का बहुत ही महत्व रखता है। तो उसके बारे में मैं फिर कभी दूसरा वीडियो में बात करूंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सुब्रतो आप लोगों से विदा लेता हूं।